दोस्तों आज मैं आपको जो फ़ोन दिखाऊंगा ये शायद है सबसे खूबसूरत फ़ोन इस प्राइस के अंदर। और दोस्तों ये फ़ोन हाल ही में रिलीज़ हुआ है 2018 MWC पर। और सबसे बढ़िया बात ये है कि दोस्तों इसके ऊपर आपको मिलते हैं एक टॉप नॉच डिस्प्ले और इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों आज बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में कुछ, लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जुड़े मेरे साथ। इस फोन का नाम है Ulefone T2 Pro। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले बहुत ही लार्ज है और कमाल का है, और ये है 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों इसका रेजोल्यूशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, 2160x1080p का रेजोल्यूशन मिल जाते हैं आपको इस डिस्प्ले में, जो इस डिस्प्ले को और भी खास बनाते हैं। और इसके साथ ही ये है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। दोस्तों ये डिस्प्ले बहुत विविड है, शार्प है और इसका कलर प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है, और ऊपर दिया गया नॉन स्टॉप इसके डिस्प्ले का खूबसूरती और एक लेवल बढ़ा देते हैं। और इस फोन का पीछे दिया गया है 21+13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा विथ LED फ्लैश। और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसे प्लेस किया गया है नॉच के अंदर। और इतना बड़ा डिस्प्ले के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा रैम और स्टोरेज भी दिया गया है। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 8GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप चाहे तो मेमोरी कार्ड के साथ भी एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों ये ऑल का पहला फ़ोन है जिसके अंदर यूज़ किया गया है हेलियो P70 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर काफ़ी हद तक सिमिलर है स्नैपड्रैगन 660 के साथ। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है एंड्रॉयड ओरियो 8.1। और इतना बड़ा डिस्प्ले को बैकअप देने के लिए आपको चाहिए होंगे बहुत ज़्यादा बैटरी, और इसके अंदर दिया गया है 5000 mAh का बैटरी भी। और NFC के अलावा सभी तरह के सेंसर जो है ये आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया और ख़ास बात जो है इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये प्लेस किया गया है इनसाइड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले के नीचे प्लेस किया गया है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। हालांकि ये रियर माउंटेड सेंसर से थोड़ा स्लो होने वाला है। और इसके अंदर यूज़ किया गया है USB Type-C, लेकिन फास्ट चार्जिंग के बाद अभी भी कुछ निकल के नहीं आया है, और इसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी भी आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों फ़ोन जो है ये काफ़ी कमाल का है, देखने में बहुत ही बढ़िया है, और डिस्प्ले के बारे में तो कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये अब MWC पर लॉन्च हुआ है, कब तक मार्केट पे आते हैं इसका पता नहीं, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस जो है होने वाला है कुछ 30,000 के अंदर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।